दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे फूलों के शहर कन्नौज में। और अभी मैं थोड़ा फ्रेश हो चुकी हूँ और उसके बाद में नहाना धोना सारा काम यही हुआ है मेरा। और मैं कपड़े, आज मैंने बहुत सारी साड़ियाँ धोई थी शाम को। और उसके बाद में मैं यहाँ पे 2 हल्दी और 2 रेड मिर्च वो भिगो के रख दी हैं मैंने। और मैं सेकने के लिए जा रही हूँ पापड़, चाय के साथ पापड़ ले लूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख सी लग रही है इसलिए। तो यहाँ पे मैंने मसाला भी तब तक पीस लिया है, मैंने इसमें थोड़ा सब्जी मसाला भी डाल लिया। तो साथ में सारी चीज़ें पीस ली हैं, हल्दी पीस ली, रेड वाली मिर्च पीस ली और पापड़ भी सेक लिए हैं। और तब तक मैंने भिगो के रख दिया है मसाला, बाद में सब बनाऊंगी सब्जी। तो फटाफट से पापड़ सेक लिए मैंने। ये देखिए पूरी प्लेट भरी हुई। आ जाइए, एकदम गर्मा गर्म नाश्ता। और सब्जी भी छोंक दे रही है, मसाला देखो कितना अच्छा कलर आया है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन आजकल देखो कलर, देखो सब्जी का कितना अच्छा है। तब की लोहे की कढ़ाई में बनाया है, चाय रेडी है, आ जाइएगा आपको भी। और यहाँ पे फिर मैंने कही है गेहूँ साफ कर रही हूँ, आटा ख़त्म होने वाला है इसलिए। तो यहाँ पे गेहूँ साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद में मैं बना रही हूँ पूड़ी। मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई एक, क्योंकि आज है अनंत चौदस इसलिए। तो पूड़ी बनाई है, दीदी ने मीठी वाली पूड़ी बनाई थी और पूजा की है। तो एकदम से फूली फूली देखो गुब्बारे वाली एकदम पूड़ियाँ बन रही हैं। और पता, मैंने चाची को थोड़ा, उनकी तबीयत नहीं सही है ना चाची की। और यहाँ पे चिप पापड़ है, पूड़ी है, मीठी पूड़ी, यही सब खाने में था। और आज वो आज है इन लोगों की ईद की छुट्टी है तो ये सब शैतानी करने में लगे हुए हैं। और मैं कर रही हूँ सफाई, पवन एक्सप्रेस मान लो, चाहे वो क्या कहते हैं, वो वंदे मातरम एक्सप्रेस नहीं चली है वो वाली मान लो, यहाँ बुलेट ट्रेन मानो। आज बहुत जल्दी जल्दी मुझे काम करना, बच्चों की तबीयत भी नहीं सही है और घर की साफ़ सफाई क्या है। घर अभी नवरात्रे आने वाले हैं और वो भी तो शुरू हो चुके हैं। और साफ़ सफाई कर रही हूँ मैं फटाफट से, और नवरात्रे की वजह से। और फिर मेरे घर में आलू आलू आ जाएंगे तो फिर सफाई हो नहीं पाती है। तो ये फिर बाद में, फिर पता, अगर रामलीला शुरू हो जाएगी फिर साफ़ सफाई हो नहीं पाती है मेरी। अब मन नहीं करता 2-3 बजे तक रामलीला देखो, फिर सुबह जल्दी उठना हो नहीं पाता है। और आज पंखे वगैरह सारे भैया से साफ़ करा दिए और पूरे मजाला आला सारा साफ़ कर दिया। और मैंने आज अपनी को पीट भी दिया ढंग से, पता अपनी को क्यों पीटा, अपनी की सताने की वजह से। और मैं सारे में पोछा लगा दे रही हूँ, पंखे पंखे सारे साफ़ हो चुके हैं, किचन वगैरह भी। किचन वगैरह तो मैंने परसों साफ़ कर दी। ये अपनी को मैंने एक थप्पड़ लगाया, पता है इन्होंने अपने बुक में से पैसे होते हैं वो और एरोप्लेन और जो भी थी सारी काट काट के कटिंग करके रख ली। और जब मैंने बुक के लिए कहा तो कह दिया देव किया, उठा के नहीं रख रही, इधर उधर सामान फैला के रख देती थी कि कमरे में भी रूम में पूरी कहीं बुक पड़ी है, कहीं इधर उधर कहीं सामान पड़ा था, वो गुस्सा कर रही थी और पता सुन ही नहीं रही थी। तो मैंने एक लगा दिया, वैसे मारने वाली नहीं थी फिर भी रो रही हैं। देखो अपनी की रोने की आवाज़ सुन के भैया एकदम से बाहर से अंदर आ गए, पूछ रहे थे तो जी। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे फूलों के शहर कन्नौज में। सब सत प्रणाम सभी लोगों को। और अभी मेरी, पता आज मैंने वंदे मातरम एक्सप्रेस नहीं है उस हिसाब से काम किया है, इतनी जल्दी जल्दी फटाफट काम किया, बहुत सारा काम हो गया था। तो अब मैं कुछ नाश्ता बनाने के जा रही हूँ क्योंकि भूख भी बहुत तेज लग रही है। और मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, बच्चों को बिस्किट वगैरह दे दिया है, पन्ना जा चुकी है, अच्छा बिल्कुल घर में नहीं लग रहा है। और बच्चे लड़ते थे सतानी, दोनों बच्चों का जाने का मन नहीं था पर उनके पास इतना टाइम नहीं था इस वजह से। और भैया के ऑर्डर वगैरह अक्सर आते ही रहते थे, फोन आ रहा था। और नाश्ते में मैं माइक्रोनी बनाने के लिए जा रही हूँ फटाफट से, भूख लग रही है बहुत तेज़ मुझे भी क्योंकि आज बहुत सारा काम किया। उसके बाद में फिर टाइम भी हो गया था, काफ़ी टाइम हो गया था नाश्ता बनाने में क्योंकि पूरी सफाई करने के बाद में। और साथ में भैया ने, दीदी ने, सभी लोग लगे, पूरे घर की लगभग सफाई हो चुकी है, बस मेरे रूम में अलमीरा रह गई हैं।
साफ़ करने के लिए, बस और कुछ नहीं, कपड़े वपड़े तय लगाने हैं, यही सब। फिर दीपावली पे इतनी ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ती है, टन वगैरह उस दिन मैंने साफ़ करा ही दिए, बस उनका थोड़ा जाला वाला जो हो जाएगा थोड़ा वो साफ़ करा दूँगी। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया काट लिया है और मैंने हींग जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और मैक्रोनी डाल दिए मैंने। और बताओ, अपने भैया टमाटर नहीं खाते हैं और अपनी दे प्याज नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने सिंपल बनाई मगर बहुत अच्छी बनी थी। इसमें मैंने डाल दी थोड़ी सी चिली सॉस डालूँगी, थोड़ी सी टमाटर सॉस डालूँगी, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा नहीं, और हरा धनिया डाल दिया था, क्यों ज़्यादा टमाटर सॉस या वो चिली सॉस डाल दे बहुत ही खा हो जाएगा। तो बस, और उसके बाद में मैंने एक मैगी मसाले का पैकेट रखा था वो डाल दिया, आप देख सकते हैं इतना अच्छा कलर टेस्ट, मतलब मुंह में पानी आ गया। वैसे मैं पकौड़ी खा चुकी हूँ और पापड़ थोड़े से मैंने सेके थे चाय के साथ, तो पकौड़ी दीदी ने बना ली है। ये देखिए इतना बढ़िया कलर आया है, टेस्ट कलर, सारा हरा धनिया पड़ा हो तो कहने की क्या, बस प्याज नहीं पड़ा, टमाटर नहीं डाला, फिर भी बहुत अच्छी बनी थी। माइक्रोनी माइक्रोनी, ये देखिए, और चाय भी रेडी हो चुकी है और बच्चों को माइक्रोनी फटाफट से दे देती हूँ, आप लोग भी आ जाइएगा, माइक्रोनी माइक्रोनी नाश्ते में। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने के जा रही हूँ, अब मैं मसाला पीस के सब्ज़ी बनाया करूँगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, टेस्ट भी अच्छा था। और ये देखिए कितना अच्छा मसाला बना है। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी थोड़ी ग्रेवी वाली सब्ज़ी, और मैंने लौकी बॉयल होने के लिए रख दी है और सूखी सब्ज़ी बना लो चाहे रसे वाली बना लो, मैं थोड़ी ग्रेवी वाली बनाऊंगी क्योंकि मैं बना रही हूँ और लौकी अभी हुई नहीं है, तो लौकी नहीं हुई थी, मैं बाहर देख रही था अपनी, क्योंकि अपनी जाने इंजेक्शन लगवाने जाना है अपनी को, तो मैं देख रही थी बाहर। और मैं करूँगी गेहूँ की सफ़ाई, थोड़ी मिट्टी मिट्टी है गेहूँ में, वो कहाँ गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। और मैं फटाफट से पानी पी बैठ के पानी पी लूँ बहुत बाग बाग, और इनका इंतज़ार कर रही थी, इनको चाय माइक्रोनी दे दूँगी, इनका इंतज़ार कर रही थी। अब देव मेरे खांस रहे हैं, देव को खांसी हो गई, अपनी को अब कुछ कहो नहीं, मेरे दोनों बच्चे ढेर हो गए हैं, इनकी वजह से टेंशन हो जाती है, तो गेहूँ साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि आटे के। और दीदी अभी पूजा करके आई है, मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ, भैया अपने बैठे हुए हैं। बस इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी करूँगी, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहे। और ये आए तो अपनी देखो भैया को कैसे कह रही है, चाचा आप चलो प्लीज़, चाचा आप चलो, पता भैया भरोसा है पापा पे नहीं, पापा इंजेक्शन लगवा देंगे और भैया लगवाएंगे, इंजेक्शन तो वैसे भी लगेगा, तो मैं करके जा रही है, इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी है, कुत्ते ने काटा है, डर बहुत लग रहा है, पर ऐसे इंजेक्शन लग जाते हैं फिर कोई टेंशन नहीं है। दूध वगैरह नहीं दे रही हूँ, चावल वगैरह कम ही दे रही हूँ और ज़्यादातर दूध में पत्ती लगा देती हूँ। और देव को देखो कितनी तेज़ जुकाम हो रहा है, बहुत तेज़ छी 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 करने में लगे हुए हैं। तो वैसे चाचा को ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पापा जा रहे हैं चाचा, लेकिन नहीं चाचा ज़रूर जाएं, ज़बरदस्ती लेके गई, भैया मना भी कर रहे थे, कह रहे हम क्या जाके करेंगे वहाँ पे, नहीं फिर भी ज़बरदस्ती लेके गई, बिठा दिया, पता उसका पक गया था पीछे का। और फिर मैं किचन में आ गई हूँ, मैं लगा रही हूँ रायता, मैं छौंक लगा दे रही हूँ, लौकी का रायता बनाया मैंने और प्याज वाली सब्ज़ी बनाई है, और देव का खाना लगा दिया, थोड़ी सी सब्ज़ी रायता दिया। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ, खाना लग चुका है, आप लोग भी आ जाइएगा एकदम।